गरबा ड्रेस एवं ज्वेलरी खरीदें या किराए पर लें, फैंसी ग्लैमर ज्वेलर्स परकोटा सागर। हमारा नंबर है 9827722571। विशेष चेकिंग अभियान के तहत शनिवार की देर शाम नापतौल विभाग टीम से विधिक माप विज्ञान अधिकारी शहर की प्रसिद्ध न्यू अप्सरा ज्वेलर्स दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे की वजन की जांच के उद्देश्य से पहुंच गए, लेकिन व्यापारी और इस दुकान की मालिक अशोक अग्रवाल अचानक आए अधिकारी को देखकर हैरान हो गए और सवाल कर बैठे कि आप किस लिए आए हैं। लेकिन जब अधिकारी ने बताया कि वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिससे गहनों को तोला जाता है उसकी जांच करना चाहते हैं, अशोक अग्रवाल ने उनकी बात को समझा और तुरंत राजी हो गए। अधिकारी जगदीश गोड़िया ने कार्यकारी मानक वार्ड से जांच की, जहां उन्हें वजन ठीक मिला और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक एक साल में हर दुकानदार को मशीन का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होता है। नियमों का उल्लंघन और मशीन सत्यापित नहीं कराने पर 2500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाता है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी जगदीश गोड़िया ने बताया कि भोपाल से आदेश मिलने के बाद स्पेशल जांच अभियान के तहत अप्सरा ज्वेलर्स दुकान पर मशीन की जांच की गई है, जिसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई। वहीं इससे पहले करीब 4 से 5 दुकानों पर भी जाकर चेकिंग की गई थी। सर, आज आपने यहां पर जांच की है कांटे वगैरह की, सर किस चीज़ को लेकर ये आपकी जाँच है और क्या आपने इसमें पाया? हमारे यहाँ विशेष जांच अभियान के तहत भोपाल से आदेश प्राप्त हुए थे कि इस माप ज्वेलर्स की जांच की जानी है, तो उस में रैंडमली आज ज्वेलर्स की जांच की गई, जिसमें आज ये यहाँ पर न्यू अप्सरा ज्वेलर्स की जांच आप बैठे हुए हैं। इनकी जांच अपने विभाग के वर्किंग स्टैंडर्ड बेड से की गई। जितना मशीन पर बेड रखा गया वो डिस्प्ले पर उतना ही पाया गया। यहाँ मतलब उपभोक्ताओं को कोई चीटिंग नहीं पाई गई मशीन में, मतलब जितना अपने बेड रखा हुआ है मशीन पर वो डिस्प्ले पे आया है। यही हमारी स्पेशल चेकिंग है कि मतलब भुगता वो जो भी माल दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। ये देर शाम कार्रवाई हुई है, क्योंकि नापतौल विभाग स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ। देर शाम ये कार्रवाई हुई है, ये दिन में भी आपके ऑफिशियल टाइम में भी हो सकती थी। नहीं नहीं, हम अभी शाम को 4 बजे से निकले हुए हैं, तो उस साइड से 4-5 दुकानों को चेक किया, अभी इस टाइम पर अभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो 4-5 दुकानों को जांच कर लिया अपन ने। सर, अन्य जगह कोई ऐसी कमी पाई क्या? नहीं, वजन में किसी की कोई अंतर नहीं पाया गया, कोई 2-1 दुकानों पर क्या मशीन को वेरीफाइड नहीं पाई गई, तो उनको रिपोर्ट बनाई गई है, तो उन पर जो भी विभाग जुर्माना निर्धारित करेगा वो। सर, आगे भी जारी रहेगी इस तरह की कोई कार्रवाई? नहीं, ये स्पेशल जाँच है, इसी महीने के लिए आया हुआ है। वहीं व्यापारी और अप्सरा ज्वेलर्स के मालिक अशोक अग्रवाल ने बताया कि जब अधिकारी अचानक दुकान में आए तो वह कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब पूरी बात को समझा तो उनका पूरा सहयोग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा काम हमेशा से ही अच्छा और साफ रहा है। भाई, तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा क्रूर आ गया, जैसे ये साहब आए, उन्होंने कहा हम नापतौल विभाग से आए, मैं ये खा के ला दिया है, पहले हम जाँच करने आए, क्या है, कौन अधिकार से है, आप कौन होती है, पहले उन्होंने सब बताया। वो साहब का नाम नहीं मालूम, बहुत अच्छे साहब है, अभी मैंने नाम पूछा था, समझ में नहीं आया नाम, लेकिन उनके व्यवहार देख के लगा कि बहुत बढ़िया आदमी। उन्होंने फिर अच्छे से डीलिंग किया, सारी बातें समझाई, हम लोग तौल है, हम लोग भैया, हमने कहा हम तो शराबे से उनका कांटा मानते हैं और शराबा जैसे उनके कांटे के बाँट हम लोग मिलाते हैं, कहले वो नहीं, वो भी नहीं चलेगा, हम लोगों क्या होता है, तो हम लोग आप लोग इश्यू करते हैं ये कांटा बाँट, कहले हम लोग इश्यू नहीं करते, हम लोग हम ये मालूम ही नहीं है, हम लोग हम कांटे से मिलाते हैं, तो कहले आप डिपार्टमेंट में आइए, इस बाँट को लेके आइए, आपको हम वेरीफाई करके दे देंगे कि ये बाँट सही है। मैंने बहुत बढ़िया, हमने अपने एक बाँट मंगाया इसके यहाँ चेक धर्म कांटे से, एक लड़के बाजू में दुकान है वो मंगा लेता है, उससे मंगाया, उस कांट से मिलवाया हमने सर ये धर्म कांटे का कांट है, उनने मिलाया, कहले ये गलत है, हमने क्यों गलत है, हम लोग किसी से बेचते हैं, हमारे एसोसिएशन ने दिया है मान्यता दी है, कहले एसोसिएशन की कोई मान्यता नहीं होती, सरकार द्वारा है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हम लोग आए हैं, उनके कर्मचारी उनके अधिकारी हैं, उनने अपने बाँट दिखाए हमको, हम अपने बाँट से तोला, हमारे कांटे में 1 करोड़ रेट मिला, हमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, उनकी रसीदें कटती हैं बाकायदा, मैंने रसीद कटाई थी, ये तो भगवान किस्मत कहना चाहिए कि मैंने नया कांटा लिया, जिसने हमें कांटा दिया था उसने सील लगवा के नहीं दी, लेकिन हमारी किस्मत बुलंद है, 5-6 दिन पहले ही मुझे जानकारी मिली, इसमें रसीद ने
जिससे हम कांटा खरीदते हैं वो रसीद बना के देती है सरकारी, माने 500 रुपये, उसने बना के नहीं दी थी। मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसने 500 रुपये दिए, मैंने अपार्टमेंट भेजा, रसीद कटवाए। आज भाई साहब लोग आए हैं जांच की, हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी या गलत काम पसंद ही नहीं करते। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत, और हम गहनों को फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा सागर।